ये 31 की रात को यहाँ पे आईआईटी प्लस एक गोडाउन है, कंपनी है जो फ्लिपकार्ट के लिए सब्सिडरी का काम करते हैं। यहाँ से सामान डिलीवर होता है और कैश ऑन डिलीवरी का पैसा यहाँ पे जमा होता है। तो यहाँ पर 31 की रात को 5 लोगों ने धावा बोला और इनका कैश एक पेटी में रखा रहता था, खुली पेटी में, गत्ते की में, वो ये लूट के ले गए। इसके बाद हमने केस दर्ज करके अपनी टीमें बनाई और टीमों ने इस पर टेक्निकली और जो ज़मीनी मुखबिरी होती है उसके थ्रू काम किया, और कल रात को हमें इसमें सफलता मिली। और हमने इसमें पूरे प्रकरण में टोटल 10 लोग अरेस्ट करे हैं। इन 10 लोगों से हमें करीब 1,68,752 रुपये बरामद हुए हैं। 3 तमंचे, 10 जिंदा कारतूस और एक लाल कलर की जो मोटरसाइकिल अपाचे थी वो भी बरामद हो गई है। जिस कार्टन में पैसा ले गए थे वो कार्टन बरामद है, और जो कपड़े इन लोगों ने डकैती के टाइम पे पहने थे वो भी बरामद हो गए हैं। सर, इसमें फिलिपिंदित कितना स्टाफ है इन 10 लोगों में गिरफ्तार हुए हैं, और जो लोग गिरफ्तार हुए उनका बैकग्राउंड क्या है? जो लोग गिरफ्तार हुए हैं सब नई उम्र के लड़के हैं, 18 से 20 साल की इनकी एज है। और इसमें फ्लिपकार्ट के जो टीम लीडर, वहाँ पे कहते हैं टीम लीडर हैं और हब इंचार्ज हैं और जो मैनेजर हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। इसमें जो मैनेजर था उसका रोल ये था कि लूट के बाद उसने जो अमाउंट थी वो छुपाई, वो पुलिस को गलत बताई। पहले 7,73,000 रुपये बताए, उसके बाद उसको कम किया, लिख के दिया कि नहीं, सिर्फ 2,09,000 रुपये गया है। और अंत में जब रिकवरी हुई, जब पूछताछ हुई, तो उसमें पता लगा कि 88,000 रुपया समथिंग इन्होंने खुद ने, मैनेजर ने, स्टाफ ने मिलकर उसमें से गायब किया था।